प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर विभिन्न जगहों पर हुए कई आयोजन। बाढ़ वाले गणेश मंदिर के पास हुआ भंडारे का आयोजन। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है, इस मौके पर सभी और उन्हें बधाई दे रहे हैं। विदिशा में कई सालों से बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर भंडारा और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जो निरंतर जारी है। यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, साथ ही शहर के विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण भी किया गया। सभी अतिथियों का, समस्त जनता जनार्दनों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे के नाले में भैया लाल भाई साहब पहुंच जाओ। प्रत्येक केंद्र अपना अपना नाला छोड़ना। चलो ठीक है, पार्टी मार्टी हुए तो आपकी दोस्त रहता। एक्स्ट्रा हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ, मुंडी आएगी ना, थोड़ा तरह से मुंडी आएगी, थोड़े भाई साहब थोड़े साइड में। अरे वो ऐसे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के करोड़ों वासियों के दिल में बसने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है। विदिशा शहर में हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता है। श्री बाढ़ वाले गणेश जी के मंदिर पर जहाँ अखंड रावण जी का पाठ बैठता है, पूर्ण आहुति होती है, भंडारा होता है, बाकी शहर में भी अनेक जगह वृक्षारोपण, मानव सेवा न्यास, सब जगह वृद्ध आश्रम, सब जगह लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप लोगों की सेवा करके जन्मदिन उनका मनाते हैं। और अभी आज इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सादगीपूर्ण जन्मदिन मनाने का आह्वान किया था, सभी से निवेदन किया था कि वृक्ष लगाएं, वही उनके लिए उपहार होगा। तो विदिशा शहर में सैकड़ों वृक्ष उनके शिक्षकों ने लगाए हैं। चूँकि ये धार्मिक अनुष्ठान प्रतिवर्ष होता है, इसलिए ये धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए इसका आयोजन यहाँ पर अखंड रावण जी का पाठ जुड़ाकर पूर्णाहुति की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही प्रदेशवासियों की सेवा करते रहें, ये उनको शुभकामनाएं।